हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, जोकर VFX कुछ ज़्यादा ही टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकंड के आसपास कर देना है। इसके बाद डन करना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट पॉइंट पर आना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो भी आपको रिमूव आपको कर देना है। फिर से आपको ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आपको फुल साइज में हो जाएगा। वीडियो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पे आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन करना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे 9:5 पे आना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो को आपको कुछ इस तरह से जूम कर एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देंगे। इसके बाद फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेंड टू बैक कर देना है। तो आपको फ़ोटो आप देख सकते हैं फ्रेम में एडजस्ट हो चुका है। तो आप वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपको वीडियो कुछ इस तरह से देखने को आपको मिल जाता है, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। जैसे कि ऊपर काला की तरफ लगा, काला से लग रहा है तो उसको ऊपर हल्का ऊपर आपको कर देना है। वीडियो आपको कुछ इस तरह से बन जाएगा। सेटिंग पर आना है और आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। यहाँ पे आपको साउंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर यदि आप शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है।